बनातू थाना क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के मनातू मंडल अध्यक्ष प्रमोद सिंह का शव पेड़ पर फंदे से झूलता हुआ बरामद किया गया। प्रमोद सिंह बुधवार की शाम 5 बजे घर से निकले थे और उसके बाद गायब हो गए थे। गांव के ही रहने वाले गिरेंद्र सिंह के घर के पास सड़क किनारे बाइक मिली, जबकि सुनसान इलाके में प्रमोद सिंह का शव फंदे से लटका मिला। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सेमी मनातू मुख्य पथ को जाम कर दिया है, ताकि हम आप पर भरोसा कर सके और उस आश्वासन के अनुसार आपसे कार्रवाई हो सके। हम यह मांग करना चाहते हैं, न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। आप नामजद है, नाम दिया गया है, उसके बाद भी सीमा हो, हम 24 घंटा 25 घंटा कई घंटा तक हम इंतजार करें सर, कुछ तो हो। अपराधी को भागने का समय दे सकते, 24 घंटे हो। हत्या और सड़क जाम की सूचना मिलने पर पांकी विधायक डॉ शशिभूषण मेहता, लेस्लीगंज के एसडीपीओ आलोक टूटी, मनातू के थाना प्रभारी कमलेश कुमार दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया। परिजनों ने कहा है कि रात में प्रमोद सिंह के घर नहीं आने पर थाना जाकर लिखित जानकारी दी गई थी। कहाँ क्या चीज दाग हुआ है और चप्पल लुगारा कहाँ है, गमछी था मतलब वो सब जहीं तहीं फट के गिर गया था, और चाकू वगैरह मतलब काट करके और मतलब वही एक पेड़ पर प्लास के पेड़ में भैया को लटकाया गया था और दूसरे प्लास का पेड़ में चाकू फेंका गया था जड़ के तरह। तो फिर पुलिस प्रशासन आए तो ही सब ढूंढ इकट्ठा किए और इसके बाद मतलब कुछ नहीं उन लोग कर रहे थे, सिर्फ खाली उधर ही घूम रहे थे। अभी बॉडी अभी जो सौ है आपके भाई को, मेरे भैया का बॉडी अभी पोस्टमार्टम में डाल्टनगंज गया। आखिर प्रमोद सिंह को मर्डर क्यों कर सकता है? वही जमीन के मामला के, तो जमीनी विवाद था। जमीनी कितना दिन से लगभग चल रहा था? जमीन के विवाद तो ढेर दिन से चल रहा है, तो ढेर दिन से चल रहा है। ये 15 दिन बीता तो उसमें घर बनाने लगा, तो हम लोग के साथ बना के हम अन्य खेतों तो नहीं बने थे, तो रोकल गया तो फिर ऑर्डर करवा लिया हम लोग कि कैसे करा, तो फिर छाने लगा। तो फिर हम लोग गए रोके, इसके बाद में उसका अरे सलेंदर कहते हैं, सलेंदर है एगो और एगो जोगिंदर, ओकरे मामा था, कहा अरे मार होगा तो होगा, इन लोग घर गिरा देगा माधर चौध के। मतलब साफ तौर पे आप कह सकते हैं कि जमीनी विवाद को लेकर के जो है कि इनको जो है कि मतलब मारा ही गया। हाँ, मारा ही आपका यही कहना है। घटना को जमीन विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि मनातू थाना क्षेत्र के करमाटीला निवासी प्रमोद सिंह बुधवार की शाम 5 बजे निकले थे। मृतक की बहन ने बताया कि घर से निकलते वक्त बताया था कि 20 मिनट में वापस घर आ जाएंगे, लेकिन रात तक घर नहीं पहुंचे। परिजनों ने कहा कि जमीन विवाद में हत्या कर आत्महत्या का रूप देने के लिए फंदे से प्रमोद सिंह को लटकाया गया। मौके पर पांकी विधायक ने कहा कि प्रमोद सिंह की हत्या हुई है और इससे पार्टी को नुकसान पहुंचा है। वह अपने स्तर से और पार्टी के स्तर से भी सहयोग दिलाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना की हम निंदा करते हैं और पुलिस प्रशासन से आग्रह करते हैं कि जल्द मामले का उद्भेदन कर दोषियों को कड़ी सजा दे। मिनिमम हत्या हुआ है और हत्या से पूरे ईपीएफ पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता के साथ साथ इस आदिवासी समुदाय के सभी लोग मर्माहत हैं। हम प्रशासन से अभी मांग करना चाहेंगे कि जो भी नामजद एफआईआर में नाम दिया गया है, जिस पर शक लोगों का था, जिसकी इसमें संलिप्तता का है, उस तमाम लोगों को 24 घंटे के अंदर प्रशासन गिरफ्तार करे और गिरफ्तारी के साथ साथ हम सरकार से प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि एक परिवार है, इनकी बेवा, इनकी पत्नी जो विधवा हो गई है, उसको सरकारी नौकरी दे, प्रशासन दे, साथ ही साथ 10 लाख रुपया का मुआवजा दे, तभी ऐसा हम लोग आंदोलन सो उसको छोड़ेंगे, अन्यथा हम लोग इसके बाद में भी ये इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, मुआवजा नहीं मिलता है, तो हम लोगों का ये आंदोलन
ये लगातार चलता रहेगा जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता है, इनको ये इनके हत्यारों को जब तक फांसी नहीं दी जाती है तब तक ये आंदोलन हम लोग चलता रहेगा। जो शव बरामद किया गया है इस मामला में परिजनों के द्वारा रोड जाम किया गया है, कई तरह के जो है कि आरोप लगाया जा रहा है, इस मामले में सर आप क्या कहें? इस मामले की जानकारी करीब हम लोग को 1:30-2 बजे रात में मिली थी। उनके परिजन आए थे और बता रहे थे कि उनका लड़का जो है घर से कहीं गया हुआ, जिसका वो लोग खोजबीन कर रहे हैं। हम लोग के द्वारा बताया गया था कि ठीक है एक फ़ोटो उसका दे दीजिएगा और हम लोग भी लड़के को ढूंढने का प्रयास करेंगे। सुबह होते ही हम लोग पूरा प्रयास करेंगे उसमें। तो नातू का एरिया जो है काफ़ी इंटीरियर इलाका है, तो रात्रि में थोड़ा मूवमेंट सब जगह आसान नहीं है। तो उसके पश्चात हम लोग यही बोले थे हम लोग को कि सुबह होते ही उसमें जो है कार्रवाई तेज़ होगी और उसको ढूंढने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन सुबह होते ही 5-6 बजे के करीब खबर ये आ गई कि जो लड़का है पेड़ पर लटका हुआ है उसका बॉडी। सूचना मिलते ही हम लोग घटनास्थल पर पहुँच के और जो भी जरूरी कार्रवाई है की जा रही है। सर परिजनों का कहना है कि हत्या कर दिया गया, क्या सच होता है सर, इस विषय में क्या होता है? प्रथम दृष्टया में तो ये लग रहा है, ये बात सामने आ रही है कि हत्या का आशंका जताया जा रहा है। पैरपुरों से भी करीब कुछ दुश्मनी भी थी, जमीन वमीन का, जमीन विवाद वगैरह का, तो आशंका है कि जमीन विवाद है। पुलिस सर इस पर क्या अभी करवाई कर रहा है? मामला में संज्ञान अंतर्गत जारी है। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।